भैया, ओ भैया। हाँ क्या है? भैया आपकी दुकान में फ्रिज है ना? हाँ है। तो फ्रिज के अंदर ठंडा पानी है? हाँ है, क्यों? वो थोड़ा ठंडा पानी दे दो ना। यहाँ मुफ्त में ठंडा पानी नहीं मिलता, पैसे लगते हैं, समझी? अरे भैया थोड़ा सा ही तो ठंडा पानी मांग रही हूँ, दे दो ना। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता, चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। दीदी चलो। अरे पर तू कहाँ गई थी? मैं उन दुकान वाले भैया के पास गई थी ठंडा पानी मांगने। तो उन्होंने नहीं दिया? अगर दीदी को कुछ बोला तो दीदी दुखी होंगे। अरे दीदी वहाँ लाइट चली गई थी ना, इसलिए उनके फ्रिज में ठंडा पानी था ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, हम मालकिन के वहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ फ्रिज है, तू वहाँ ठंडा पानी पी लेना। ठीक है दीदी। अब चल, हमें देर हो जाएगी। बाप रे बाप कितनी गर्मी है, और इतनी गर्मी में अगर मैंने आइसक्रीम नहीं खाई तो फिर गर्मी के मजे कैसे लूंगी। आओ। ऐसे क्या देख रही है, कभी आइसक्रीम देखी नहीं है क्या? आंटी वो आप आइसक्रीम खा रहे हो ना, तो मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर गया। क्या तेरी माँ ने यही सिखाया कि कोई खा रहा हो तो उसे मांग कर खाने का? अरे नहीं आंटी। अरे मेम साहब बच्ची है, नादानी में बोल गई, माफ कर दीजिए। अरे मुन्नी मैं घर जाते वक्त तेरे लिए आइसक्रीम ले लूंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। दीदी मुझे पानी पिला दो। हाँ एक मिनट रुक। अरे दीदी ये पानी नहीं, मुझे तो फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीना है। अच्छा ठीक है। अरे मीनू। जी भैया। अगर मुन्नी खाना खाकर नहीं आई है तो इसे खिला देना, ठीक है? जी। अरे दीदी मुझे खाना नहीं खाना, आप तो बस मुझे ठंडा ठंडा पानी पिला दो। हाँ मीनू। जी मैम साहब। ये क्या कर रही है? वो मुन्नी को प्यास लगी थी तो मैं पानी। हाँ तो इसे नल का पानी पिला दे, वैसे भी तुम लोग नल का पानी ही तो पीते हो। नहीं आंटी मुझे ना फ्रिज का ठंडा पानी ही पीना है। क्यों, तुम्हारे घर है क्या फ्रिज? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, अगर फ्रीज होता तो तुम दोनों यहाँ ठंडे पानी के लिए थोड़ी मर रहे होते। अरे वाह यहाँ तो कितना ठंडा है, एक काम करती हूँ थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ। हाँ अरे मुन्नी इधर आ तो। अरे दीदी मैं नहीं आ रही। अरे काम है मुझे। अरे दीदी मैं एसी में बैठी हूँ, थोड़ी देर बैठने दो ना। अरे दीदी रुको मैं भी आ रही हूँ। अरे बिजली चली गई। सुनिए सुनिए। हाँ क्या हुआ? देखो ना आज अचानक से बिजली कैसे चली गई। अरे हाँ मैं तुझे कहना ही भूल गया, आज पूरे दिन बिजली नहीं आएगी। क्या? हाँ बाप रे बाप, आज बिजली नहीं आएगी तो फिर मैं ऐसे कैसे चलाऊंगी, ठंडा पानी कैसे पीऊंगी, कैसी मुसीबत है ये। मीनू। जी। मेरे लिए फ्रिज में से ठंडा पानी लेके आ तो। जी मैम साहब मैं अभी लाई।
मेम साहब ठंडा पानी नहीं है। क्या ठंडा पानी नहीं है? सादा पानी ले आऊं? हाँ अब सादा पानी ही ले आ, इतनी गर्मी में सादे पानी से प्यास कैसे बुझेगी। यहाँ मुफ्त में ठंडा पानी नहीं मिलता, पैसे लगते समझी। दीदी बस मैं 2 मिनट में आई। अरे सुन तो, ये कहाँ गई? भैया, ओ भैया, तू फिर आ गई, अब क्या है? भैया ठंडा पानी दो ना। तुझे मैंने बोला था ना इसके पैसे लगते हैं। भैया ये लो 10 रुपए। हाँ हाँ ठीक है। ये ले। आंटी ये लो ठंडा पानी। ये पर ये कहाँ से लाई तू? वो बाहर दुकान है ना, वहां से लाई, ये लो। नहीं आंटी मुझे ना फ्रिज का ठंडा पानी ही पीना है। क्यों, तुम्हारे घर है क्या फ्रिज? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, अगर फ्रीज होता तो तुम दोनों यहाँ ठंडे पानी के लिए थोड़ी मर रहे होते। कितनी गर्मी है और पंखा करते करते तो मेरे हाथ ही दर्द करने लग गए। आंटी लाओ मैं हवा करती हूँ। अरे दीदी मैं एसी में बैठी हूँ, थोड़ी देर बैठने दो ना। थैंक यू भैया। कितनी गर्मी है और गर्मी में आइसक्रीम नहीं खाई तो फिर गर्मी के मजे कैसे लेंगे? क्यों? हाँ। अरे फिर वहां क्यों बैठी है, चल मेरे पास आ। आज सुबह तुम मुझसे आइसक्रीम मांग रही थी ना, ये तेरे लिए ही है, ये ले। सच्ची? मैं थोड़ी दीदी को दिख आती हूँ। हाँ चलो, मेरा प्लान कामयाब हुआ। मतलब? मतलब ये कि बिजली के स्विच मैंने ही बंद किए थे। मतलब कि बिजली गई ही नहीं थी, आप ही ने बंद की थी? हाँ। पर क्यों? मैं आज सुबह से देख रहा हूँ तू इन दोनों के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही थी। मुन्नी ने तुझसे आइसक्रीम मांगी और तूने मना कर दिया। उसने तुझसे ठंडा पानी मांगा और फिर तूने मना कर दिया। और तो और 2 मिनट एसी में क्या बैठ गई, तूने एसी ही बंद कर दी। पर देखा जैसे ही लाइट गई ये बच्ची तेरी सेवा में लग गई, तेरे लिए ठंडा पानी लेकर आई, तुझे पेपर से हवा भी की। करिश्मा आज एक बात तो सच हो गई, इंसान दिल से अमीर होता है, पैसों से नहीं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने इन दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इन दोनों से मांग। मुन्नी बेटा, मीनू, तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे आंटी आप प्लीज माफी मत मांगो। तो ठीक है, अब से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मांग लेना, ठीक है? ठीक है आंटी। ये हुई ना बात। दीदी अब से हम रोज ठंडा पानी पिएंगे ना? हाँ। किसी ने सच ही कहा है, इंसान दिल से अमीर होता है, पैसों से नहीं।